तो हाँ, अभी हम लोग बैक हो चुके हैं नवरे के साथ। तो ऐसे क्या है, आज की इस वीडियो होने वाली है कंपैरिजन ये न्यू FFCS वाली जो स्किन आई है ना यार M4A1 में, उसके वर्सेस ये स्कॉर्चिंग सैंड्स वाला एकदम चमकीला चमकीला गोल्ड कलर जो स्किन है ना यार, इसके साथ कंपैरिजन करने वाले हैं। सो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना यार। मैं चैनल पर नए हो तो जल्दी से यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको मतलब पूरे देखने मिलेंगे। सो जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना। सो चलो यार बिना कोई देरी किए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो देखो यार, अभी ये न्यू FFCS वाली ये न्यू गन के बारे में बात कर लेते हैं। सो देखो यार, जब हम लोग ये ट्रेनिंग ग्राउंड में गन को लेके जाते हैं, सो देखो यार ये मतलब डैमेज बहुत ही ज़्यादा कम देता है यार सेकेंड लेवल वेस्ट पे भी। सो देखो 21-25 के आसपास डैमेज चले जाता है। एंड वही ये न्यू स्किन जो भी आप देख रहे हो ना, जिसको मतलब ड्रैग बहुत ही अच्छे से आता है ना, उसके ही ड्रैग मतलब 50% से 75 तो नहीं यार 65% कम हो जाएंगे, 50-65% ड्रैग कम हो जाएंगे, क्योंकि यार मतलब ये स्किन मतलब ज़्यादा ड्रैग देता नहीं है। क्या है अभी सीन क्या है वो पता नहीं, बहुत ही ज़्यादा कम देता है यार ये ड्रैग, 10 में से एकदम 4 या 5 सोच लो यार ड्रैग बहुत ही ज़्यादा कम देता है। सो ऐसे देखो यार मतलब यहाँ पे देखो साहे भाई अभी ये गन को यूज़ कर रहे हैं एंड भाई मतलब ड्रैग को इतना उठा रहे हैं वहाँ ड्रैग ही नहीं लग रहा है यार ये गन से। बट अभी हमारा न्यू स्कॉर्चिंग, न्यू नहीं मतलब ओल्ड चमकीला चमकीला वाला स्कॉर्चिंग एक, अभी वो कैसे होने वाला है वो आगे बता दूंगा। बट यहाँ पे देखो यार एकदम 21-25 का डैमेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एंड हेडशॉट पे 11-11 मतलब 111 या फिर 124 ऐसे आसपास आपको डैमेज देखने के लिए मिल जाएगा ये गन से। बट अभी न्यू अपना ये जो स्कॉर्चिंग एके आया है ना, मतलब न्यू नहीं ओल्ड ही है, मतलब ओल्ड ही है यार, मतलब ज़्यादातर उतना न्यू नहीं है। सो देखो अभी वो गन के बारे में भी अभी आगे बात करने वाले हैं। बट ये न्यू एके मतलब ये न्यू स्किन पे एक नया स्किन भी आया था यार ग्रोसा FFCS, मतलब के वो स्किन मतलब बहुत ही ओपी ड्रैग देता है यार, मतलब वो 10 में से 8 बार इजीली ड्रैग दे देगा आपको, जिसको ड्रैग आती भी नहीं ना वो सिर्फ उठाएगा तो ड्रैग लग जाएगा। बट मेन हम लोग बात कर रहे हैं M4A1 की। सो देखो ये गन से तो उतने अच्छे ड्रैग नहीं लगते, अगर आप ड्रैग के लिए ये ले रहे हो तो उतने ज़्यादा ड्रैग नहीं लगेंगे आपके। सो देखो यार अभी ये स्कॉर्चिंग M4A1 के बारे में बात कर लेते हैं, एकदम चमकीला चमकीला वाला स्किन। सो देखो यार ये मई मतलब उतना ज़्यादा डैमेज नहीं देता, मतलब हेडशॉट तो अच्छे खासे दे देता है बट डैमेज भी 23-25 के बीच में रह जाता है यार, मतलब कभी कभी 18-20-25 एंड में 15-25 के बीच में रेंज करते रहता है ये डैमेज। एंड लेवल 3 एंड लेवल 4 के वेस्ट पे तो सोचना ही मत यार, 10-15 से ज़्यादा जाएगा नहीं है। बट ड्रैग भी अच्छा खासा दे देता है यार ये गन, मतलब ऐसे नहीं है कि ड्रैग नहीं देता है, वो गन के कंपैरिजन में ये ड्रैग मतलब थोड़ा बहुत अच्छा दे देता है, मतलब वो 4 से 5 था तो ये 6 से 7 कर सकते हो आप, 6 से 7 में 5 से 6-7 के बीच में कर सकते हो, 5 से 7 के बीच में, क्योंकि ये मतलब उतने अच्छे तो ड्रैग दे देते हैं, मतलब थोड़ा बहुत उठाना पड़ता है बट ड्रैग लग जाते हैं इससे। M4A1 ये स्कॉर्चिंग M4A1 से कंपेटेबल अपना न्यू FFCS वाला M4A1। सो देखो यार अभी मेरी ओपिनियन के बारे में बात करिए, सो देखो यार ये गन स्किन मतलब FFCS से कंपेटेबल ये न्यू स्कॉर्चिंग AK वाला गन स्किन बहुत ही ज़्यादा ओपी रहेगा यार ये न्यू कंपेटेबल FFCS गन से, क्योंकि वो ड्रैग भी अच्छा खासा नहीं देता है, डैमेज के आसपास भी मतलब दोनों सेम है, बट अपने को ड्रैग चाहिए यार, मतलब ड्रैग ऐसे उठाते ही ऐसे ड्रैग लगना चाहिए तब मज़ा आएगा यार एनिमीज को मारने में। सो देखो यार ड्रैग के कंपेटेबल इसको मैं चुन रहा हूँ। सो इस आपको मतलब कौन सा गन अच्छा दिखा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना। एंड भाई अगर आपको वीडियो भी अच्छा लगा तो जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छे आने वाले हैं। सो इस चलो यार जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना मत बोलना, शेयर करना मत बोलना। सो जल्दी से दी शैंड साइनिंग ऑफ SK vs SK गेमिंग।